Hello friends, welcome to Maitreya Mantras. My name is Ankur Kumar Sharma and previous video जो मैंने बनाई थी वो थी BARC से related. BARC exam की analysis कि BARC का मेरा experience किस तरह का था वो मैंने बताया था. अभी जो next video की जो demand आ रही है वो ज़्यादा DMRC JEE की आ रही है. वैसे मैं इसके बाद में ISRO examination की भी video बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी DMRC JEE recruitment अभी 8 तारीख से ही इसका exam start है. सो इसी पे ज़्यादा फोकस हो रहा है अभी लोगों का, तो इसीलिए मैं इस वीडियो पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा अभी के लिए. अब देखो इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, एक तो बताऊँगा कि आपको किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, एग्ज़ाम पैटर्न के बाद बताऊँगा किस तरह की एग्ज़ाम, मतलब बोल सकते हैं हम कि किस तरह एग्ज़ाम आता है हमारा, ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड उस पर डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे कितने क्वेश्चंस हैं, क्या टाइमिंग है, उसके बाद हम देखेंगे क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, उसके बाद देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितना आता है, मीन्स हमारा इसमें टेक्निकल भी होता है और नॉन टेक भी होता है, तो किससे कितना आता है क्वेश्चंस और किस लेवल का होता है, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करने के बाद हम कुछ कट ऑफ्स भी डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स की. तो ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन से. देखो DMRC JEE जो है वो हमारा रिक्रूटमेंट है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए. ओके, सो जूनियर इंजीनियर पोस्ट जो है ये हमारा इलेक्ट्रिकल डोमेन में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में होता है, मैकेनिकल भी होता है और सिविल इंजीनियरिंग में होता है. ठीक है, अब इन सब डोमेन्स में हमें जो सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे वो हम इलेक्ट्रिकल डोमेन पे फोकस करेंगे. ओके, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे प्रोसेस जो है वो सभी में सेम होता है, जो भी एग्ज़ाम है DMRC का सबका लेवल पैटर्न जो है वो सेम है, लेकिन सब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं. अभी मैं बताऊंगा किस में क्या डिफरेंट है. देखो ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है ये. ऑनलाइन मोड में क्या है, दो पेपर होने वाले हैं इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2. ओके, सो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही एक ही दिन में कंप्लीट होंगे. आपको आपका स्लॉट मिल चुका होगा ऑलरेडी, क्योंकि एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं अभी, तो 8 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट भी हैं, तो अभी सब लोग उस चीज़ का पता कर चुके होंगे कि किस दिन उनका पेपर है और किस टाइमिंग पे पेपर है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक ही दिन में दोनों पेपर होने हैं. उसके बाद इन दोनों पेपर्स की जो कट ऑफ्स लगती हैं वो इंडिविजुअल कट ऑफ भी कुछ लगती है कि भाई मेरा फर्स्ट पेपर में इतना मिनिमम होना ही चाहिए और सेकेंड पेपर में इतना मिनिमम होना ही चाहिए. उसके बाद जब हम दोनों इंडिविजुअल कट ऑफ्स को क्लियर करते हैं तब हमारी टोटल कट ऑफ्स लगती है पेपर की. अब इसमें क्या है, देखो ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ, मेरिट इन बोथ पेपर 1 एंड 2, मतलब पहले तो हमारी इंडिविजुअल मेरिट लगती हैं, इंडिविजुअल मेरिट क्लियर करने के बाद हमारी फिर दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 की भी मेरिट लगती है. ठीक है, इंडिविजुअल के बाद हमारी टोटल कट ऑफ बोल सकते हैं उसको. अब देखो फर्स्ट पेपर जो होता है हमारा, हम फर्स्ट पेपर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या है, 1.5 आवर, मतलब यहाँ पे हमारा 1.5 घंटे का टाइम या फिर 90 मिनट्स का टाइम हमारा मिलता है. 90 मिनट्स में जो हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं वो 120 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, अभी 120 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, तो यहाँ से पहला पॉइंट जो हमें पता चल रहा है वो है हमारा टाइम. पहला पॉइंट है हमारा टाइम. ठीक है, टाइम क्या होगा आपको दिख ही रहा है, 90 मिनट में हमारा 120 क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसको मैनेज करने के लिए हमें 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा. अभी इस पर हम और डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं मार्किंग. तो जो इसमें मार्किंग है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह की मार्किंग है. पॉजिटिव मार्किंग में हमारा जो मार्क्स मिलता है वो 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन जो भी है वो मिलता है. ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है वैसे, लेकिन जो इसमें नेगेटिव है उस पर हमें फोकस करना चाहिए. नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब तुम्हारा अगर 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 क्वेश्चन आपका जो सही किया हुआ है वो कट जाएगा. ठीक है, तो 3 पे 1 नेगेटिव है. अब देखो लैंग्वेज जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पेपर आता है हमारा, क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर लेवल का पेपर है. तो जूनियर इंजीनियर लेवल पेपर में क्या होता है कि हमारा JEE जो होता है, डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं वो इंडिया में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रीफर होते हैं, तो इसीलिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही हमारा पेपर होता है. अब जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर तो 0.75 मिनट, ओके 0.75 मिनट हमें एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, मतलब पूरा 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है. तो स्पीड यहाँ पे मेंटेन करना होगा विद एक्यूरेसी. मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आजकल जो डिमांड है पेपर में वो स्पीड विद एक्यूरेसी की है. ओके, सो स्पीड एंड एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा आपको, क्योंकि आप जल्दी से क्वेश्चन करते हैं तो एग्ज़ाम में प्रेशर होता है ब्रेन पे, उसकी वजह से आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाते हैं या फिर आप क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनको सही से एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, और वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता भी है लेकिन फिर भी गलतियाँ होती हैं. तो इसी चीज़ को एक्यूरेसी बोलते हैं कि यहाँ पर हमें एक्यूरेट होना ज़रूरी है. जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो आपको अटैम्प्ट ही नहीं करना है, लेकिन जो आपको आता है उसको हमें बचाना है.
देखो अब इसमें जो 120 क्वेश्चंस है इसमें से हमारे दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है एप्टीट्यूड, जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड भी बोलते हैं इन जनरल। तो जनरल एप्टीट्यूड में हमारे 45 क्वेश्चंस होते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं ज़्यादा फोकस करूँ तो या फिर किसी भी डोमेन का ले लो, मैकेनिकल का ले लो, सिविल का ले लो, तो वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग होते हैं, मैकेनिकल के जो भी हैं वो सब्जेक्ट्स आपको पता है ऑलरेडी कि किस बंदे को कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं अपने टेक्निकल सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें 75 क्वेश्चंस हैं हमारे। अब 75 क्वेश्चंस जो हैं हमारे, इन पे देखो 45 जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन है इन पे भी हमें टाइम मैनेज करना होगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि देखो इसमें जो क्वेश्चंस में पेपर है वो हमारा जेई लेवल का होता है, और इसमें बहुत सारे बीटेक के भी स्टूडेंट देते हैं, बहुत सारे एमटेक के भी स्टूडेंट दे देते हैं आजकल पेपर को, तो इसीलिए हमारा जो ये एप्टीट्यूड सेक्शन होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड में हमारा टाइम मैनेज करना ज़रूरी है। अगर हम एप्टीट्यूड में टाइम मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सभी को आते हैं, लेकिन वहाँ पे यही देखना है कि हमें कितने समय में इन एप्टीट्यूड को ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम मैनेज करोगे तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी को आने होंगे, लेकिन इनमें कुछ ही क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें डाउट होगा, उन डाउट को ही जो सही करेगा वही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इतना बात समझ में आनी चाहिए आपको ये, कि यहाँ पे हमें टाइम मैनेज करने से यहाँ फ़ायदा होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी को आते हैं। ओके, और एप्टीट्यूड में थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लेना, ये मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, टाइम मैनेजमेंट इन बोथ सेक्शंस। देखो इसमें जो 75 क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ, मैंने बता भी दिया है कि टेक्निकल सेक्शन ईजी होता है, कुछ क्वेश्चंस उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन कुछ बचते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज सब ईजिली क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को रिमेनिंग क्वेश्चंस को ही हमें टाइम देना होगा, जो कि हम एप्टीट्यूड से बचा के देंगे। तो एप्टीट्यूड सेक्शन को जल्दी जल्दी निपटाना होगा, उसके बाद आपको फिर टेक्निकल में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल 75 मार्क्स या फिर 75 क्वेश्चंस कैरी कर रहा है। अब नेक्स्ट बात चलती है हमारी 50% क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक सब्जेक्ट। मतलब ये क्या है, अब ये है कि आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट आ रहा है या टेक्निकल जो आपका पेपर आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक्स से पूछे जाते हैं, और ये बात आप भी फील कर सकते हो कि आपका जो DMRC JEE पेपर है, JEE का पेपर है, तो मतलब आपके BTech के बेसिक्स ही पूछे जाएंगे, प्लस आपके जो डिप्लोमा कोर्सेज है उसके तुम्हारा डिप्लोमा के क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछे जाते हैं, मतलब डिप्लोमा वालों को ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, लेकिन BTech वालों के लिए बेसिक हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा BTech वाले जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ईजी होता है पेपर। अब देखो डू दी प्रीवियस ईयर, हाँ ये क्या लिखा हुआ, ये है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को या फिर पेपर को सोल्व करने में आसानी होगी, तो इसको आसान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वो DMRC JEE के अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे, या फिर और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो कि अपलोड करके रखते हैं इन चीज़ों को, तो उन ब्लॉगर्स की वेबसाइट से या फिर ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ DMRC से आप इनको ले सकते हैं पेपर्स को, और उसके बाद इनको क्वेश्चंस को सोल्व करके आप अपनी स्पीड एक्यूरेसी को सबको इम्प्रूव कर पाओगे। तो अभी 2-3 दिन ही वैसे बचे हुए हैं, लेकिन आपके जो पेपर है वो आई थिंक 19 तक है, तो इसीलिए जिनका पेपर लास्ट में होगा उनके पास अभी भी बहुत टाइम है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, JEE के क्वेश्चन जो हैं उनको भी सोल्व करो, और जो बाकी जैसे छोटे मोटे PSUs हैं उनके भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। अभी देखो जो बुक्स हैं, अभी कोई बच्चा चाहेगा कि बुक कौन सी मैं अभी फॉलो कर सकता हूँ जिनका पेपर लास्ट में, ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं बुक्स, लेकिन अभी जो इनका पेपर 2-3 दिन में है वो बस जस्ट रिवाइज करो, कहीं से भी कुछ भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ सीधा करो। अब जो बुक है ये लास्ट वालों के लिए हैं, तो ये इनमें कौन कौन सी बुक है, RK Rajput एंड JB Gupta, यही दो बुक होती हैं वैसे इंपॉर्टेंट जो बुक हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, यही दो बुक हैं। अब इनमें क्या है, JB Gupta जो है उसको बाद में करना, ठीक है, पहले करना RK Rajput, क्योंकि RK Rajput में जो है क्वेश्चंस वो हर एक लेवल से दिया हुआ है, मतलब मैंने भी इसको फॉलो किया है बुक को, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो है वो ईच लेवल, मतलब आपको जीरो से लेके और अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, एकदम जीरो से स्टार्टिंग करते हैं और लास्ट लेवल तक लेके जाते हैं, तो इसीलिए ये बुक मैं बेस्ट मानता हूँ। उसके बाद JB Gupta भी मैंने पढ़ी है, लेकिन JB Gupta जो है वो इसके कंपेरिजन में उतनी बुक अच्छी नहीं मानता हूँ, ये मेरा प्रेफरेंस है, बाकी आप लोगों का हो सकता है किसी को JB Gupta ज़्यादा पसंद आ जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके स्टडी, मतलब आप किस तरह से पढ़ते हो या किस तरह फोकस करते हो एग्ज़ाम पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो RK Rajput पहले पढ़ लेना, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो थोड़े बहुत JB Gupta से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, अब हम चलते हैं सेकंड सेक्शन पे, जो कि हमारा था एप्टीट्यूड सेक्शन। अब देखो एप्टीट्यूड सेक्शन का मैंने बताया था आपको कि 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पहली बात, मतलब ये चार सेक्शन होते हैं इसमें हमारे, पहले चारों सेक्शन हम देख लेते हैं। एप्टीट्यूड में पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड
एंड करंट अफेयर्स एंड जीके पार्ट। जीके में जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये भी रिपीट होते हैं, तो इसलिए सब जगह जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रीवियस ईयर्स जेई के, चाहे वो जेई डीएमआरसी हो, चाहे वो जेई पीजीसीआईएल हो पावर ग्रिड, चाहे वो हरियाणा जेई हो, चाहे वो राजस्थान जेई हो, चाहे वो तुम्हारा गुजरात जेई हो, सभी के क्वेश्चंस करो, ठीक है। जिसका भी मिल जाए प्रीवियस ईयर कर डालो पहले, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना डीएमआरसी जेई के क्वेश्चंस को, क्योंकि डीएमआरसी जेई के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पिछले उठा लेना जरूर। अभी देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं ये मैंने थोड़ा एनालाइज करके देखा, तो इसमें देखो 10-15 क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, ठीक है। जब भी पेपर होता है डीएमआरसी जेई का तो इसी रेंज में क्वेश्चंस इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड सेक्शन में अगर हम बात करें तो 15-20 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के आते हैं, तो एप्टीट्यूड यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एप्टीट्यूड मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि एलजेब्रा टाइप का, जो थोड़ा सा हमारा जैसे कि जिसमें आ गया हमारा लॉस एंड प्रॉफिट आ गया, परसेंटेज आ गया, नंबर सिस्टम आ गया, उसके बाद और भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, तो वो सब बताने जरूरत नहीं है। स्पीड एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद हम करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स में आपको पता ही है जो अभी के करंट इश्यूज चल रहे हैं उन पे थोड़ा देख लो। बाकी इसमें जो अगर मैं बताऊँगा तो आपको 3 मंथ्स का, लास्ट 3 मंथ जो हैं उनका आप कोई भी एक मैगजीन उठा सकते हो। जैसे कि मैं प्रतियोगिता दर्पण को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो प्रतियोगिता दर्पण में आपको जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं वो मिल ही जाते हैं ऑलमोस्ट। तो 3 मंथ्स के लास्ट की मैगजीन्स पढ़ो, उन्हीं पे थोड़ा सा एनालाइज करो, वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 3-8 वेरी करता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट आता है जीके पार्ट। जीके पार्ट में देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है लूसेंट जनरल नॉलेज। तो लूसेंट जो है इसमें क्या है ना, आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिल जाता है, चाहे वो डीएमआरसी जेई का हो, चाहे वो किसी अदर एग्जामिनेशन का हो जीके पार्ट के लिए। तो आपको अगर टाइम है तो इसको लूसेंट को पढ़ सकते हो, अदरवाइज टाइम नहीं है तो आप इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हो, डीएमआरसी जेई के या फिर किसी और जेई पेपर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें आप इस तरह से फॉलो करोगे तो आपको क्वेश्चंस कंप्लीटली हो जाए, तो कम्प्लीटली आपके हो जाएंगे। अब देखो पेपर टू में अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो पेपर टू में आपका इंग्लिश का पेपर होता है, कम्प्लीटली इंग्लिश। तो इंग्लिश से कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यहीं पे सिलेक्शन होता है, और ये सच भी है क्योंकि कुछ लोग भागते हैं इंग्लिश से, और जो जेई लेवल के बच्चे होते हैं ना उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली अगर मैं कहता हूँ ना, सीधा सीधा बोलता हूँ कि अगर इंजीनियर्स की बात करूँ मैं, तो इंजीनियर्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम रियली होती है क्योंकि उनको बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश उनका थोड़ा वीक हो ही जाता है। और इंग्लिश में ये नहीं बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन, इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं ग्रामेटिकल। तो ग्रामेटिकल एरर्स पूछी जाती हैं, ग्रामेटिकल फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, तो इसी में प्रॉब्लम होती है। देखो इसमें क्या है, 60 questions in 45 minutes, तो यहाँ पे अगेन क्या आया आपका एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। 45/60 कितना हुआ, 3/4, अगेन 0.75 मिनट, तो 0.75 मिनट आपको फिर से मिल रहा है, इसमें भी सेम मिनट सेम टाइम मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है आपको, और नेगेटिव मार्किंग भी है याद रखना इसको। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आपने पूरे ही क्वेश्चन कर दिए, पूरे नहीं करने, जो सही है वही करने हैं, ठीक है। और जिनमें डाउटफुल है ना उनको मैं कहता हूँ जो भी नेगेटिव आपके मार्क्स वाला पेपर है उसमें डाउटफुल क्वेश्चंस को कभी नहीं छूना है, डाउटफुल क्वेश्चन को छोड़ो क्योंकि वो आपको गिराएगा, उठाएगा नहीं कभी भी। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर होता है, अब हमारे हमें पता ही है भाई इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही होगा ना, तो उसके लिए लैंग्वेज जो है हमेशा हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं होती है, इंग्लिश इंग्लिश में ही होगी, ओके। सो टाइम एंड स्पीड यहाँ पे भी फिर से आ जाएगी बात भाई। अब मैं इसकी सिलेबस की बात करता हूँ, इंग्लिश में सिलेबस क्या है, तो सिलेबस वैसे सभी में यही कॉमन ही होता है देखा जाए तो, इंग्लिश का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही सब आपका सिलेबस होता है। अब देखो इसमें से हमारे 60 क्वेश्चंस में से क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखो, सबसे मैंने जो दिखाया हुआ है ये पैटर्न कि किस में से कितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें 20-25 क्वेश्चंस वेरिएशन होता है, तो 20-25 क्वेश्चंस अगर किसी में से आ रहे हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक पे कितना फोकस करना है हमें, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 1/3 क्वेश्चंस इसी से पूछा जा रहा है, तो 1/3 पूछा जा रहा है तो इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना। उसके बाद हम देखते हैं एंटोनिम्स में हमारे 5-10 एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हो ना आप, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आते हैं जो तुम्हारा कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन, तो इन सब पे आपको फोकस करना होगा। एडजेक्टिव वगैरह ये सब, एडवर्ब और वर्ब, इनमें ज़्यादा फोकस करना होगा, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन,
तो ये सब जो है आपको ये भी आना चाहिए अच्छे से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी 8 से 10 क्वेश्चन हमारे या 8 से 12 क्वेश्चन के बीच में वेरी करता है। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें भी 2 to 5 क्वेश्चन आपका वेरी करता है। पार्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपका 2 to 5 क्वेश्चंस वेरी करता है। एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक हमेशा ही, लेकिन ये थोड़े कम कर पाते हैं लोग, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत अच्छी कमांड चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमारे ये फोकस करने लायक होते हैं पॉइंट्स, क्योंकि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स बाई चांस छूट जाते हैं क्योंकि ये सबको नहीं आता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ 5 क्वेश्चन डायरेक्ट नॉर्मली मिलते हैं, क्योंकि पैसेज सभी लोग कर पाते हैं, तो इस पर जरूर कर लेना क्वेश्चंस, क्योंकि इसको छोड़ोगे तो आप पीछे चले जाओगे, तो इसीलिए ये सब टॉपिक करना जरूरी है। अब देखो बुक्स क्या है इंग्लिश के लिए, बुक्स वैसे तो टाइम अब नहीं बचा है, लेकिन फिर भी जिनके पास टाइम होगा, जो लास्ट में पेपर देने वाले हैं उन्हीं के लिए ये भी स्ट्रेटजी होगी कि जिनके पास टाइम है, जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लूसेंट और इंग्लिश जो मैं बता रहा हूँ, लूसेंट में भी इंग्लिश की बुक आती है, तो उसको फॉलो कर लो जिनके पास टाइम है वो लोग। सिर्फ अरियंत की बुक आती है इंग्लिश के लिए, उसको भी मैं उन्हीं को कहूँगा जिनके पास टाइम है अभी, जिनका लास्ट में पेपर होने वाला है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो सम स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करना चाहूँगा मैं, स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स यूज़ कर सकते हो आप। स्टैंडर्ड कोचिंग में आपको पता है, आप SSC की या फिर SSC JEE की या फिर इन सब की तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि SSC के लिए या फिर DMRC लेवल के लिए कौन सी कोचिंग्स के नोट्स अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। उसमें KD कैंपस के आप इंग्लिश के नोट्स यूज़ कर सकते हो आप, और भी बहुत सारी कोचिंग है आपको, वैसे जो आपको सही लगे वही करना। मैं KD कैंपस भी नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपको जो पसंद है वही करना, इसमें वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स के हमारे नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। देखो कट ऑफ्स में अगर बात करते हैं, कट ऑफ्स की मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की ही डिस्कस कर लेता हूं। तो इसमें कट ऑफ जो है वो 65 मार्क्स 2016 में गई थी कट ऑफ, एंड जो 2015 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 57 मार्क्स कट ऑफ गया था, ठीक है। तो कट ऑफ्स देख सकते हैं आप, 57 से 65 हो गया, और अभी जो है डे बाई डे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। और ये देखो, पहली बात तो DMRC JEE जो है वो कभी भी अपनी रिलीज नहीं करता है कट ऑफ्स, लेकिन ये जो कट ऑफ्स मैं बता रहा हूँ ये किस बेसिस से बता रहा हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट ने इसको RTI करके, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है हमारा, उसके थ्रू हमारा इन्फॉर्मेशन निकलवाया था DMRC, तो उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश किया गया था, तभी मैंने वहीं से देख के मैं इन कट ऑफ्स को एनालाइज करके बता पा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज कट ऑफ नहीं बताता है DMRC, तो इसीलिए ये जो कट ऑफ्स है हमारी 2016 की इलेक्ट्रिकल में 65, और ये कट ऑफ्स जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं। OBC के लिए ±3 कर सकते हो, SC ST के लिए ±10 कर सकते हो, ठीक है। तो -10 ही करना, वैसे प्लस नहीं करना, क्योंकि प्लस तो होगा ही नहीं, तो -10 या -5 कर सकते हो आप। OBC में -5 और SC ST में -10, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ सबसे कम जाती है। अगर मैं सिविल और मैकेनिकल की बोलूं तो सिविल में आप इलेक्ट्रिकल कट ऑफ में 10-10 मार्क्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। 10-10 मार्क्स जोड़ लोगे तो आपको बन जाएगा सिविल का कट ऑफ, और सबसे कम जो कट ऑफ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ 2016 का था 58 मार्क्स, 2015 का था 54 मार्क्स, एंड जो अभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ±10 मार्क्स आप कर लीजिए, ठीक है। +10 ही कर लो, माइनस तो छोड़ो, क्योंकि आजकल माइनस होता ही नहीं है ना कट ऑफ कभी भी, हर साल बढ़ता ही है, क्योंकि पेपर जो है वो वैसे ही आता है नॉर्मली, और स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत हाई होता जा रहा है, कंपटीशन लेवल बहुत हाई होता जा रहा है, तो इसीलिए कट ऑफ्स में आप +10 कर सकते हैं। और बाकी आपको कोई डाउट आ रहा हो एग्ज़ाम के रिलेटेड, किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। DMRC JEE में अब आपका सिलेक्शन होना कन्फर्म है अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। और कोई भी डाउट आपको लगे, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम लगे, आप सीधा कमेंट करो, सीधा पूछो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके जितने डाउट होंगे उतने बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।